गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम बीए फर्स्ट ईयर के क्लास में आपका लोकतंत्र का टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उदारवादी मूल्यों पर आधारित होती है और उदारवादी मूल्य आदर्श और विश्वास जो होते हैं इसमें हमें जो बहुत ही इसकी इस शासन व्यवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये शासन व्यवस्था जो होती है इसमें प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है और जहां पर हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जहां पर शासन व्यवस्था का स्रोत क्या था, वंशानुगत आधार पर था, वहीं उसके स्थान पर इस शासन व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि शासन का जो है स्रोत क्या है, जनता है और जनता के हाथ में शासन की शक्ति होती है। जनता ही सरकार को निर्वाचित करती है और सरकार को हटाने की शक्ति भी जनता के पास होती है, अर्थात समस्त शासन की शक्ति जनता में निहित होती है। जनता जो है निर्वाचन के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और यदि वो प्रतिनिधि जो है जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते तो जनता आने वाले जो है इलेक्शंस में उन्हें हटा सकती है, उन्हें अपने पद से जो है वो विमुख कर सकती है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था में जो है जनता जो है वही शासन का स्रोत होती है। तो हमने लोकतंत्र के प्रकार पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था में हमने ये पढ़ा था कि उसमें दो प्रकार की शासन व्यवस्था हमने देखी थी, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था भारत में ब्रिटेन में हमें दिखाई देती है, उसी प्रकार से जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप हम अमेरिका में हमें अमेरिका की जो है शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम अब देखते हैं कि लोकतांत्रिक जो शासन है या लोकतंत्र में हम किस प्रकार से जो है उसमें शासन सत्ता के बारे में जनता के लिए देखते हैं कि जनता जो होती है जनता में शासन व्यवस्था निवास करती है। तो देखिए आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र का जो विशिष्ट अर्थ है वो किस प्रकार से है। तो देखिए आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र का विशिष्ट अर्थ जो है वो निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जा सकता है। हमारा टॉपिक है आज लोकतंत्र, क्लास है आपकी बीए फर्स्ट ईयर। टॉपिक है लोकतंत्र। तो देखिए उदारवादी लोकतांत्रिक उदारवादी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से शासन व्यवस्था का अभिप्राय हम निम्नलिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से उदारवादी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अर्थ जो है किसमें निहित है। यह निर्णय लेने की एक विधि है। पहला, यह निर्णय लेने की यह निर्णय लेने की एक विधि है। दूसरा है, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। यह निर्णय लेने के
निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है तथा यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा तो देखिए इस प्रकार हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जो है मतलब ये मानते हैं कि ये शासन का एक रूप नहीं है बल्कि इसके अनेक अर्थ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जो हम अभिप्राय इस प्रकार देखते हैं कि यह निर्णय लेने की एक विधि है, निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है और आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित ही अवधारणा है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन को हम भावनात्मक रूप से समृद्ध मानते हैं और इसमें ये मानते हैं कि लोकतंत्र उदारवादी मूल्यों पर आधारित एक ऐसी अवधारणा है जिसमें शासन सत्ता जनता में निवास करती है और शासन करने में जो है जनता की इसमें सक्रिय भागीदारी हमें देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र के जो विभिन्न रूप हैं उसके बारे में देखते हैं किस प्रकार से लोकतंत्र के जो विभिन्न रूप, तो देखिए लोकतंत्र के विभिन्न रूप, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमुख जो रूप है वो हम देखते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, और चौथा है नैतिक लोकतंत्र, तो देखिए इस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विभिन्न रूप हमें दिखाई देते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। तो देखिए राजनीतिक लोकतंत्र का हमें जो आशय है वो हम देखते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र में हम शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि शासन व्यवस्था जो है अंतिम सत्ता जनता में निवास करती है, संविधानवाद में विश्वास करता है, विधि के शासन में विश्वास करता है। तो हम केवल इसको समझेंगे केवल पॉइंट्स के रूप में क्योंकि ये आपके लिए जो है समझने के लिए ही आवश्यक है, वैसे जानकारी के लिए, क्योंकि परीक्षाओं में इस प्रकार का जो है प्रश्न कई बार पूछ भी लिया जाता है। और कई बार जैसे मान लो केवल जो है हम देखते हैं कि लोकतंत्र के विभिन्न रूप अब आपको मालूम होने चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में है। तो देखिए राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है कि शासन का स्वरूप जो है किस प्रकार से शासन होता है और शासन में जनता की जो भागीदारी होती है कितनी होती है और शासन संविधानवाद पर, विधि के शासन पर आधारित होता है। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम शासन सत्ता में जनता उस पर नियंत्रण रखती है और लोकतांत्रिक राज्य की बात करते हैं। फिर सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र। देखिए सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है किस प्रकार से जो है लोकतंत्र में समानता
की बात होती है और इसमें हम समाज में जो व्यक्ति निवास करते हैं उनके बीच में सामाजिक समानता की बात करते हैं कि समाज में सामाजिक समानता किस प्रकार से है। तो सामाजिक लोकतंत्र में हम सामाजिक समानता की बात प्रबलता से करते हैं। फिर है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र का हमें देखिए स्वरूप जो है मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र भी है, व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र भी है और इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, आर्थिक समानता की हम उपेक्षा की बात करते हैं कि आर्थिक रूप से समानता जो है उसकी उपेक्षा की बात की जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति को जो है अपने आजीविका के साधन उसे प्रदान किए जाने चाहिए, राज्य व्यक्ति को ऐसे अवसर प्रदान करे जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपनी आजीविका कमा सके और इसलिए हम आर्थिक स्वतंत्रता को इसमें महत्व देते हैं। फिर है नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र में हम नैतिक मूल्यों और विश्वासों की बात करते हैं कि इसमें लोकतंत्र को एक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाता है और लोकतंत्र जो है मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से है। जैसे कि फ्रांस में 1789 में जो है इस लोकतंत्र की अभिव्यक्ति हुई थी जिसमें समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा दिया गया था, तो ये नैतिक लोकतंत्र का ही परिचायक है। तो देखिए इस प्रकार हम लोकतंत्र के विभिन्न रूपों की हमने चर्चा करी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है लोकतंत्र के प्रचलित सिद्धांत क्या है। तो देखिए लोकतंत्र के जो भी प्रचलित सिद्धांत है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र के प्रचलित सिद्धांत क्या है। तो देखिए लोकतंत्र संबंधी जो भी सिद्धांत और दृष्टिकोण है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। तो देखिए लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, तो देखिए लोकतंत्र संबंधी संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो देखिए लोकतंत्र संबंधी जो भी प्रमुख सिद्धांत और दृष्टिकोण है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र के बारे में प्रचलित सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए लोकतंत्र के संबंध में जो प्रचलित सिद्धांत है उसमें पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण।
ये टॉपिक आपके 20 नंबर के प्रश्न के लिए नहीं, इसमें से 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको जो है ये बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि इसमें से 20 नंबर का प्रश्न नहीं आता है, इसमें से 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न ही आते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, इसमें लोकतंत्र के परंपरागत स्वरूप की बात करते हैं हम, और लोकतंत्र के परंपरागत स्वरूप में हम देखते हैं कि इसमें स्वतंत्रता समानता जैसे सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण रूप से बल दिया जाता है, और इसमें जो है प्रमुख विचारक बेंथम मिल हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत में हम जो है व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानते हैं, और उसमें हम शासन सरकार की शक्ति का आधार जनता को मानते हैं। तो देखिए, इसमें हम इस संदर्भ में हम देखते हैं कि हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, हॉब्स, लॉक, हॉब्स, लॉक, रूसो, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम आदि आदि इस दृष्टिकोण के समर्थक विचारक हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्रता समानता व अधिकारों पर बल देते हैं स्वतंत्रता समानता व अधिकारों पर बल देते हैं। अगला जो दृष्टिकोण है वह है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तो देखिए, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि ये दृष्टिकोण क्या है। तो देखिए, अगला है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, तो देखिए, बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण जो है उसमें हम देखते हैं कि ये दृष्टिकोण समाज के संघात्मक स्वरूप में यह दृष्टिकोण समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करता है और इस सिद्धांत में लास्की, बार्कर, आदि इस सिद्धांत के समर्थक विचारक हैं। तो देखिए,
लोकतंत्र का उदारवादी दृष्टिकोण जहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता अधिकारों की बात करता है, वहीं पर लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत जो है ये मानता है कि समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करता है और समुदाय की बात करता है। जिस प्रकार से लास्की जो है वो भी ये मानता है कि राज्य जो है वो अन्य समुदायों के समान एक संस्था है और जो है समाज के संघात्मक स्वरूप की बात करता है। तो ये जो है समुदायवादी दृष्टिकोण है, सॉरी बहुलवादी दृष्टिकोण है, जिसमें समाज के संघात्मक स्वरूप की बात की जाती है। इसके प्रमुख विचारक हैं लास्की बारकर। तो देखिए ये दृष्टिकोण जो है विभिन्न समुदाय एवं समूह के हित को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। तो इससे में देखिए समुदाय एवं समूह के हितों को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें समुदाय के हितों पर अधिक बल दिया जाता है। अगला दृष्टिकोण है बहुलवादी दृष्टिकोण के बाद में अगला दृष्टिकोण है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। अगला है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। तो देखिए इसे हम अभिजन सिद्धांत भी कहते हैं और हम ये देखते हैं कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में ये माना जाता है कि शासन जो संचालन किया जाता है, शासन संचालन में केवल कुछ ही लोगों की जो होती है भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि हम जनता शासन करती है लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये मानता है कि शासन में अभिजन वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शासन में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं या जो भी नीति निर्माण किया जाता है वो सब इस छोटे से वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। तो ये समाज का ऐसा बौद्धिक वर्ग है जिसके हाथ में समूचे शासन की बागडोर होती है और वास्तव में यही जो होता है शासन संचालित करता है। तो इसलिए ये विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत, इसका ये मानना है कि शासन में अभिजन वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शासन इन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है। तो देखिए विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत वो ये मानता है कि इस सिद्धांत के द्वारा संपूर्ण विचारधारा का केंद्र जो है अभिजन वर्ग है। तो देखिए इस सिद्धांत के द्वारा समूचे शासन का केंद्र अभिजन वर्ग है। समूचे शासन का केंद्र अभिजन वर्ग है और शासन की जो सत्ता होती है वो इन्हीं में ही निहित होती है। तो देखिए शासन की सत्ता के बारे में इसका ये मानना है कि शासन की सत्ता ऐसे ही अल्पसंख्यक वर्ग में निहित होती है और देखिए पेरेटो मॉस्का मिचेल्स जो है मिचेल्स इस विचारधारा के
समर्थक विचारक है, इस विचारधारा के समर्थक विचारक है। तो देखिए लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, जो लोकतंत्र के पुराने मूल्य आदर्शों की बात की जाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता और अधिकारों की बात इसमें की जाती है, बहुलवादी दृष्टिकोण जो है समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करता है और ये कहता है कि समुदाय के हित जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और समुदाय के हित में व्यक्ति का हित माना जाता है। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्ग सिद्धांत, इस सिद्धांत के द्वारा समूचे शासन का केंद्र अभिजन वर्ग को माना जाता है और ये कहा जाता है कि शासन की सत्ता ऐसे ही अल्पसंख्यक वर्ग में निहित होती है और इस सिद्धांत के समर्थक विचारक हैं पैरेटो, मॉस्क, मिचेल्स। तो देखिए लोकतंत्र के जो अगला सिद्धांत हम देखते हैं कि लोकतंत्र संबंधी विचारधारा का जो अगला दृष्टिकोण है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए अगला जो सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो देखिए अगला सिद्धांत है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो देखिए ये सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के द्वारा हम ये देखते हैं कि इसमें समाजवादी सिद्धांत की बात की जाती है और इस सिद्धांत में मार्क्सवादी विचारधारा को हम लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है मार्क्सवादी लोकतंत्र में हम मानते हैं कि किस प्रकार से इस विचारधारा में मार्क्सवाद की हमें बिल्कुल झलक दिखाई देती है और मार्क्सवादी विचारधारा से ये सिद्धांत प्रभावित है। तो देखिए ये मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित विचारधारा है। तो देखिए इस सिद्धांत में मार्क्सवादी विचारधारा में मार्क्सवादी विचारधारा में निहित विशेषताओं पर बल दिया जाता है। जैसे कि मार्क्सवाद में हम देखते हैं कि उत्पादन में वितरण के सभी साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व
की बात की जाती है, सार्वजनिक स्वामित्व पर बल, हिंसा व क्रांतिकारी साधनों द्वारा या क्रांतिकारी साधनों द्वारा परिवर्तन पर बल। तो देखिए इस विचारधारा में मार्क्सवाद में जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनकी बात की जाती है, और मार्क्सवादी विचारधारा में सर्वहारा के अधिनायकवाद की बात की जाती है। इसी प्रकार से हम मार्क्सवादी विचारधारा में देखते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व समाजीकरण की बात की जाती है, और मार्क्सवादी विचारधारा में जो है हम किस प्रकार से देखते हैं जनवादी लोकतंत्र की बात की जाती है। तो देखिए ये जो है मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित सिद्धांत है, जिसमें मार्क्स ने जो अपने सिद्धांत में प्रमुख विशेषताएं बताई हैं उसी पर ये आधारित विचारधारा है, जो परिवर्तन भी जो है हिंसक साधनों द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करती है, और उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की बात इसमें की जाती है।